हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पेठे के हलवे की रेसिपी। तो कल शिवरात्रि है, सभी व्रत रखेंगे, व्रत में आप पेठे का हलवा बनाकर खा सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है पेठे का हलवा। तो सबसे पहले मैंने पेठा ले लिया है, इसे मैं अपने कद्दूकस में कस लूँगी। कहीं इसे पेठा बोलते हैं, कुछ जगह पर इसे काशी फल भी बोलते हैं, कुछ जगहों पर इसे कद्दू भी बोलते हैं, तो हर जगह इसका अलग अलग नाम है। तो मेरे यहाँ पर इसे पेठा बोलते हैं, तो इसलिए मैं इसे पेठे का हलवा बता रही हूँ। तो ये देखिए, इसे हम कद्दूकस में इस तरीके से इसे घिस लेंगे और इसका अच्छा लच्छा बना लेंगे अच्छा सा। ये देखिए, ये हमारा लच्छा तैयार हो गया है। अब ये मैंने नाप कर एक कटोरी में ले लिया है। एक कटोरी लच्छा लेना है और इसमें हमें एक गिलास फुल क्रीम दूध लेना है। याद रखिए, दूध फुल क्रीम लेना है एक गिलास। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध नहीं है तो आप एक चम्मच मलाई ऐड कर लीजिए। अब मैंने एक भारी थल्ली की कढ़ाई ले लेनी है, उसमें सबसे पहले पेठा डालना है और फिर उसके बाद हमें दूध ऐड कर देना है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बन भी बहुत जल्दी जाता है। तो अब ये देखिए, इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए चलाएंगे। अब मैं इसमें एक चम्मच में थोड़ी सी, देखिए, इलायची पाउडर लिया है मैंने। ये मैंने दरदरी कूट ली है इलायचियाँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर मिक्स कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए इस तरीके से चलाते हुए। भारी थल्ली की कढ़ाई का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप फुल गैस पर भी इसको बनाएंगे तो ये हमारा हलवा जलेगा नहीं। हल्की थल्ली की अगर आप कढ़ाई लेंगे तो उसमें हमारा हलवा जलने का डर रहता है, तो इसलिए भारी थल्ली की कढ़ाई ली है मैंने। इसमें तेज़ गैस पर भी जल्दी फटाफट फटाफट हलवा बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसे ऐसे ही बराबर चलाते रहना है जैसे हम मावा निकालते टाइम मावे में दूध को चलाते हैं, क्योंकि ये साइड में लगता रहता है। अभी इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो साइडों में ऐसे लगने लगा है। तो जब ये साइडों में लगेगा तो इसे साइडों से इस तरीके से पलटे की सहायता से बराबर चलाते रहिए। अब ये देखिए, ये दूध हमारा पूरी तरह से सूख गया है। तो ये अब हमारा हलवा लगभग तैयार होने वाला है। इसे इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे और अच्छे से इसकी घुटाई कर देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में चिपके नहीं। ये देखिए, यह हलवा हमारा बिल्कुल दूध नहीं है इसमें, तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें 2.5 चम्मच चीनी डाली है। आपको जैसा मीठा पसंद हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आप उसी तरीके का मीठा इसमें ऐड कीजिएगा। ये मैंने 2.5 चम्मच चीनी इसमें ऐड कर दिया है और अब चीनी को अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि चीनी का भी पानी बनता है। तो अगर आप अभी इसे उतार लेंगे तो ये हलवा हमारा हल्का सा चिपचिपा सा लगेगा खाने में। तो ये देखिए, ये चीनी को इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। अब बस, अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने बाउल में निकाल लिया हलवा और अब मैंने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स को मैं इस पर ऊपर से डाल दूँगी। देखिए, कोई भी चीज़ है खाने की, जब तक आप उसमें थोड़ी सी सजावट नहीं करें तो उसके खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो अब देखिए, ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है हमारा हलवा कि इसे जिसके भी सामने आप लेके जाएंगे वो खाने के लिए मना कर ही नहीं पाएगा। तो ये लीजिए, आप सभी भी खा लीजिए, मेरा हलवा तैयार है। तो एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए और आपका हलवा कैसा बना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।